हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पार का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। मेनली बच्चों ये जो है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होता है, लेकिन हम लोग इन जनरल बोलते हैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इसका नाम जो है ना मैंने दिया ब्रह्मास्त्र थ्योरम। क्यों? क्योंकि पूरे क्लास 11th 12th फिजिक्स के अंदर कहीं भी कोई भी सवाल आ जाए और उसके अंदर बस फोर्स लग रहा हो, चाहे जैसा नेचर का फोर्स हो, अगर उसके द्वारा वर्क डन हो रहा हो और हमसे पूछे फाइंड द वर्क डन बाय दैट फोर्स, आप ब्रह्मास्त्र थ्योरम लगा के बना लो, आंसर सही आएगा। इसलिए जरूरी था नामकरण करना कि वाह गजब, कहीं भी लग जाता है तो ब्रह्मास्त्र थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ बारीकियां कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आपसे कहीं गलती नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैं अपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ में देखा है बच्चों, बच्चों से बहुत गलतियां होती है कुछ छोटे बारीकी कॉन्सेप्ट से, इसलिए इसको ठीक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरे फिजिक्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है ये। सबसे पहला कि फोर्सेस क्या क्या है भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क एंड प्रोड्यूसिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पिछले लेक्चर जो लेक्चर 3 में हमने देखा कि लेट मान लो कि कोई एक ब्लॉक है, उस पर कोई एक फोर्स लगा, हमको पता है कि फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा। अब वर्क डन कैसा कैसा हो सकता है भैया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का जो पढ़ा हुआ उसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है। सेम डायरेक्शन में है फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर लग रहा है तो नेगेटिव वर्क डन, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो जीरो वर्क डन। ठीक, जब पॉजिटिव वर्क डन होता है सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड घट जाता है। ऐसे है जीरो वर्क डन हो रहा है तो जितना स्पीड से चल रहा है वो वही रहता है, स्पीड कॉन्स्टेंट। तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ घटेगा और स्पीड कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, यहाँ जीरो। तो ये समझ में आया। तो फोर्स लगा, वर्क डन हुआ, कैसा कैसा, तीन तरह से। वर्क डन हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, कैसा कैसा, तीन तरीका से। ठीक है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ऐसा, या जीरो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये देखो चार तरह के फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स। एच सी वर्मा सर अगर बुक रीड करोगे तो उसमें जो है ना वो फ्रीक्वेंटली क्या यूज करते हैं, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत अच्छी बात है, क्यों यूज करते हैं भाई वो देखेंगे। अगर कुछ और बुक्स अगर पढ़ोगे तो वो अलग लिखते हैं क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय इंटरनल, वो उसके अंदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का यूज नहीं करते हैं। भाई ऐसा क्या चक्कर है भाई, है ना, क्यों ऐसा है, कोई सिर्फ इंटरनल लिखते हैं, कोई इंटरनल में ही कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो भाई बुक रीडिंग करें तो हमको समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, वो भी देखते हैं। दूसरा, गलतियां जो मैंने बता रहा था ना कि कहाँ होता है, वो यहाँ पर होता है, इंटरनल कंजर्वेटिव चाहे इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव निकालने में गलती होता है, और एक सूडो फोर्स का थोड़ा सा बारीकियाँ। तो ये सब समझ में आ गया तो हम लोग का कहानी बच्चों खत्म। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, तो बोले कि कोई भी ब्लॉक अगर है मान लो, ठीक, ये कोई मान लो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं सवाल को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को हम लोग एक सिस्टम मान लेते हैं, लेट जो चीज़ चल रहा हो जिस पर कोई फोर्सेस वगैरह लग रहा हो उस ब्लॉक को हम क्या किया, सिस्टम मान लिए। तो सिस्टम के अंदर जो जो फोर्सेस लगेगा वो कहला जाता है इंटरनल फोर्स, और सिस्टम के जो जो बाहर से एक्ट करा उसको क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल फोर्स। बड़ा मस्त सिस्टम, हम किसी को मान सकते हैं, मेरे ऊपर आज़ादी है। बोलो सर पता किसे चलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे 2-3 लेक्चर पार होगा ना आप इसमें मास्टरी हो जाएगा आपको कि अच्छा पता चल गया किसको सिस्टम क्यों मानेंगे काहे मानेंगे। तो लेट इसको सिस्टम माने, तो अगर बाहर से ऐसे कोई फोर्स लगा के धक्का दे रहा तो एक्सटर्नल हो गया, जमीन इसको क्या करेगा इस पर एक नॉर्मल देगा तो एक्सटर्नल हो गया, पृथ्वी क्या है इसको पकड़ करके खींचे अपने सेंटर की ओर तो ये भी कैसा हो गया, एक्सटर्नल। तो भाई वर्क डन ये सब से हम लोग को निकालना पड़ता है, तो दीज आर एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन। ठीक, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में हम लोग जानते हैं जो फ्रीक्वेंट यूज होता है मैं उसकी बात करता हूँ, वो है आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है आपका स्प्रिंग फोर्स, ये फ्रीक्वेंट यूज होता है। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, अगला लेक्चर में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव का जो फ्रीक्वेंट यूज है एक फ्रिक्शन और एक है मेरा रेजिस्टिव फोर्स, कैसा फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स। देखते हैं अब इंटरनल को जरा एक बार समझ लेते हैं कि इंटरनल क्या है, है ना। इंटरनल देखो दो केस है हमारे पास, एक है कि ब्लॉक अपॉन ब्लॉक जो है लेट और ये दोनों क्या है चिपक के चल रहा है दोनों एक साथ, तो मूविंग विथ कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, समझते हैं कि अगर
ये दोनों ब्लॉक है, चिपक के चल रहा है, तो ये दोनों ब्लॉक को हम मान लेते हैं क्या, एक सिस्टम। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। ग्रेविटी अपनी ओर जो खींचेगी एक्सटर्नल, ग्राउंड जो लगाएगा वो एक्सटर्नल। लेकिन पता है कि अगर चिपक के चल रहा है दोनों ब्लॉक, तो सिंस इसके रेस्पेक्ट में ये आगे घसकना चाह रहा है, तो इससे बर्दाश्त नहीं होगा, ये पैर खींचेगा इधर, इसका ये उसका पैर खींचेगा इधर, है ना। पूरा ब्लॉक अपॉन ब्लॉक हम लोग एक लेक्चर ही देख चुके हैं, यहाँ तक कि ब्लॉक अपॉन ब्लॉक क्वेश्चंस को 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, वो भी देखें। तो अगर बच्चों आपको सीखना होगा, नहीं देखे आप तो यूट्यूब में टाइप करिएगा ब्लॉक अपॉन ब्लॉक क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो इस पर लगा स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंस ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, हमने दोनों ब्लॉक को सिस्टम माना, तो सिस्टम के अंदर ये लग रहा है, हेंस दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी नोन एज इंटरनल फोर्स। अब देखो ये इंटरनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स किस नेचर का हो गया, नॉन कंजर्वेटिव, हेंस नामकरण इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यानी इंटरनल फोर्स ना नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, अभी देखेंगे कंजर्वेटिव भी हो सकता है, इसीलिए अच्छी वर्मा सर फ्रीक्वेंटली इसको क्या यूज करते हैं, इंटरनल कंजर्वेटिव इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो यहां मेरे लिए इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो हो गया वो कैसा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। हम जानते हैं कि भाई वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, ये लेक्चर वन के अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं वर्क एनर्जी पावर में ही, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा किसी एक ब्लॉक पर वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम पर जब निकालते हैं तो टोटल वर्क डन क्या आ जाता है, जीरो। टोटल वर्क डन क्या आ जाता है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम इज जीरो, ठीक है। अच्छा अब इधर आते हैं जरा, दूसरा केस। अब दूसरा केस हमारे पास क्या है कि दो ब्लॉक है, उसके साथ एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया इनिशियली बाय डिस्टेंस कुछ एक्स, ऐसे कंप्रेस करके और रख दिया गया दो ब्लॉक्स के बीच में। एक ब्लॉक मानो कि 1 kg का लोहा है, दूसरे को मानो कि 50 ग्राम का लकड़ी है, इस तरह से और कंप्रेस करके स्प्रिंग रख दिए। सोचो जब छोड़ोगे तो होगा क्या, मारेगा धक्का स्प्रिंग में, तो फोर्स क्या लगेगा, kx, क्योंकि टोटल कंप्रेशन एक्स है, तो kx इधर इधर, लकड़ी वाला हल्का है सेम फोर्स लग रहा है, देखो kx, लोहा वाला तो थोड़ा धीरे स्पीड गेन करेगा लेकिन लकड़ी वाला तो फेंका जाएगा, तो इसमें भी देखो फोर्स लगा, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन पॉजिटिव, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसमें भी kx लगा, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी यहां वर्क डन हो रहा है, ठीक। लेट करते क्या है, सिंस कंप्रेस्ड है ना ये ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक को हमने मान लिया एक सिस्टम, तो क्या होगा, सिंस कंप्रेस्ड है, कंप्रेशन मारेगा इसको धक्का कितना से, kx, कितना से इसको मारेगा धक्का, kx, फोर्स इस पर लगा इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो भैया वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ने लगेगा क्योंकि ये वेलोसिटी गेन करने लगा इधर, ठीक। इसमें देखो फोर्स इधर, भैया डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, स्पीड गेन किया तो काइनेटिक एनर्जी भी इसका बढ़ने लगा। यहां देखो कि स्प्रिंग फोर्स हमारे पास है kx, ये सिस्टम के अंदर लग रहा है, तो ये कैसा फोर्स हो गया मेरा, इंटरनल फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स हम जान रहे हैं कैसा है, कंजर्वेटिव, यानी कि यहां जो इंटरनल फोर्स है किस नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का है, तो इंटरनल फोर्स कैन बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बोलेंगे, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्या आ गया है, kx, जो कि कैसा है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक। अब देखो यहां पर वर्क डन, बच्चों वर्क डन बाई जो है इंटरनल, जो यहां पर आया हुआ है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वो कैसा है, सोचो इस पर भी हुआ तो सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस पर भी हुआ सेम डायरेक्शन में सब चीज तो पॉजिटिव, यानी कि टोटल ये वर्क डन क्या आया है, पॉजिटिव। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि वर्क डन बाई नेट जो भी इंटरनल फोर्स लग रहा है उसके द्वारा जो है वर्क डन जीरो, और यहां पर जो इंटरनल है फोर्स उसके द्वारा जो वर्क डन है वह है पॉजिटिव। समझ में तो आ गया, लेकिन यहां पर खेल इसके बाद चालू होता है जब बहुत सारे बच्चों से ये गलती होता है सवाल को बनाने में। क्या गलती होता है, देखिए क्या गलती होता है, करते क्या है ना, बच्चे सोचते हैं कि भाई जब हमने एक सिस्टम माना, सिस्टम के अंदर वो उस पर लगाए ये इस पर लगाए, दोनों फोर्सेस है क्या, इंटरनल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, तो जब इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया तो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स हो गया जीरो, क्योंकि दो न्यूटन लगेगा तो क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो। तो बोले कि वाह नेट इंटरनल फोर्स, ये देखिए गलती करते हैं, ये मिस्टेक है, ऐसे करना नहीं है लेकिन जानना जरूरी कि भाई गलती करते क्या है, नेट इंटरनल जो फोर्स है निकालने की कोशिश करते हैं पहले ही, तो होता है क्या, -fs + fs, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया जीरो। बोले वाह नेट इंटरनल फोर्स ही जीरो हो गया,
तो भाई वर्क डन बाई नेट इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? नेट इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो गया? जीरो। बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। संयोग क्या हुआ? दोनों नेट इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन जीरो आया, और पहले जिस तरह से निकाला गया है ना, हम लोग कैसे निकाले थे? इंडिविजुअल करके न्यूमेरिकल में निकाले थे, इसका अलग प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो आ गया था, आंसर तो मैच कर गया। तो बोले वाह गदगद, इधर आते हैं जरा। ठीक, देखिए फिर से वही काम करते हैं, मिस्टेक देखिए, गलती। यहां भी बोले कि भाई के एक्स इधर, के एक्स इधर, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, इंटरनल फोर्स है, वह नेट इंटरनल फोर्स जीरो इक्वल एंड ऑपोजिट के वजह से। तो बोले नेट इंटरनल फोर्स जो है, यहां भी देखो क्या हो गया, एक राइट साइड लग रहा है, एक लेफ्ट साइड लग रहा है, माइनस के एक्स प्लस के एक्स हो गया जीरो। तो बोले कि वर्क डन बाई नेट इंटरनल फोर्स यहां पर क्या आ गया? जीरो। बच्चों देखो क्या ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि kx के द्वारा जो वर्क डन है पॉजिटिव हो रहा है इस साइड वाला, और इस साइड वाला kx के कारण भी वर्क डन पॉजिटिव हो रहा था। टोटल जो वर्क डन इसके और इसके द्वारा जोड़ेंगे पॉजिटिव 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 है। लेकिन अगर आप नेट निकाल लेते हो तो फोर्स ही खत्म हो गया, फोर्स खत्म तो वर्क डन भी क्या हो गया? खत्म। आंसर क्या हो गया? गलत। तो बोलोगे सर हाँ बात तो सही है, लेकिन यहां से सीखना क्या और सही क्या करना है? सही ये करना है कि कभी भी आप ये लाइन लिख लीजिए कॉपी में, कभी भी आप हमेशा नेट फोर्स कभी मत निकालो, डायरेक्ट ये लिखो, कभी भी आप नेट फोर्स निकाल करके वर्क डन मत निकालो, सवाल मत बनाओ। तो कैसे बनाए? हमेशा क्या करना है? ठीक है, इंटरनल ऑपोजिट इक्वल सब ठीक है, आप इसके द्वारा अलग वर्क डन निकालो, इसके द्वारा अलग वर्क डन निकालो, और दोनों को जोड़ो, अगर वो जीरो हो गया तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप इसके द्वारा अलग निकालो पॉजिटिव आए, आप इसके द्वारा अलग निकालो पॉजिटिव आए, दोनों को जोड़ो, हमेशा आंसर क्या आएगा? सही। तो किसी भी स्टूडेंट से गलती नहीं होगा, और यही मेरा टारगेट है कि भाई जब हम पढ़ ही रहे हैं तो अच्छा ही क्यों ना पढ़ ले बहुत ज़्यादा, कि हमेशा सही बनावे, है ना, गलती क्यों बनावे, गलत कॉन्सेप्ट पढ़ करके। ठीक, अब देखो सूडो फोर्स की जो बात कर रहे थे ना, ये वाला, ये क्या है? किसी और फ्रेम में बैठ करके देखते हैं, बनाते हैं सवाल को, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो भाई यहाँ पर पढ़ रहे हैं वर्क और काइनेटिक एनर्जी। वर्क के अंदर आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और एक है काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर है हाफ एम वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि अगर किसी और फ्रेम से बैठ करके देखेंगे फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिपेंड करता है कि नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी। भैया यही चार चीज़ें, चारों चीज़ देख लेते हैं, है कि नहीं? उसके बाद सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे अलग फ्रेम से बैठ के बनाते हैं ना, तो क्या क्या जो पढ़े वो कैसे काम में आता है। ठीक है, जरूरी है जानना कि कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर फोर्स डिपेंड करता है कि नहीं। एक कोई ब्लॉक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो पता है क्या, देखो ग्राउंड से भी देखोगे 10 न्यूटन से इसको जो चोट लग रहा है, ग्राउंड से भी देखोगे ना तो फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन ही जो चोट लग रहा है इस पे। किसी अगर कोई लिफ्ट है एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, उसमें जाकर के भी अगर आप बैठ करके देखोगे ना तो फोर्स कितना है उसको जो चोट लग रहा है ना, यहां से भी एनालिसिस करें तो कितना, 10 न्यूटन ही बोलेंगे। फोर्स एक ऐसा चीज है जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप कहीं से भी एनालिसिस करके बोलो। तो फोर्स कितना हो गया पता है, यहां से भी नजर आएगा 10 न्यूटन, एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी नजर आएगा कितना, 10 न्यूटन, जब ये इसके बारे में एनालिसिस करें तो। यानी फोर्स एक ऐसा चीज है, क्या है भाई, नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिस्प्लेसमेंट देखो, एक कोई ट्रॉली है या ट्रेन है कुछ भी, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है कोई मास, वो रखा हुआ है रेस्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। अब लेट ट्रेन जो ना, एक सेकंड में 100 मीटर ट्रेन चली गई, ठीक है, जो ट्रेन के अंदर आदमी बैठा हुआ उसको तो वो चीज कैसा नजर आएगा, रेस्ट में ही रखा हुआ नजर आएगा, ठीक। लेकिन जो कोई ग्राउंड से अगर देखेगा इस ब्लॉक को तो क्या बोलेगा, भाई ट्रेन अगर चली गई 100 मीटर एक सेकंड में, तो हम ग्राउंड पर बैठे हुए प्लेटफॉर्म पर उसके अंदर कोई बक्सा रखा हुआ तो बक्सा भी तो चली गई 100 मीटर थोड़ा देर के बाद एक सेकंड में, यानी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो नजर आएगा मेरे को जाते हुए, लेकिन ट्रेन में नजर आ रहा है रेस्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी हो गया विच डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप कहां से देख रहे हो सवाल को बना रहे हो, ठीक। यहां से नजर आएगा डिस्प्लेसमेंट कितना, 100 मीटर नजर आएगा जाते हुए कितना, इन 1 सेकंड में, ठीक। लेकिन यहां से देखेंगे तो नजर आएगा कैसा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक जीरो। तो ये कैसा चीज हो गया भाई, ये डिपेंड कर जाता है ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ठीक है। चलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर जाता है, फोर्स नहीं डिपेंड करता, तो भैया वर्क डन कैसा होगा? तो इंटर्न क्या करेगा, डिपेंड ही कर जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक भी पैरामीटर डिपेंड किया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एफ ओ आर का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ठीक है, मकडन डिपेंड कर गया। काइनेटिक एनर्जी देखिए जरा, देख लो बड़ा बढ़िया, वही ट्रेन के अंदर एक ब्लॉक जो रखा हुआ था रेस्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर वो देख रहा है, तो उसको तो हमेशा रेस्ट में ही नजर आ रहा है, कोई स्पीड से नजर नहीं आएगा जाते हुए, ट्रेन जा रही है वी स्पीड से, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड से हम देखेंगे तो हमको तो ट्रेन के साथ वो ब्लॉक भी नजर आएगा जाते हुए, ट्रेन जा रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ब्लॉक उसके अंदर रखा वो भी 120 किलोमीटर से ही नजर आएगा जाते हुए प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी कि हम क्या बोलेंगे, इसके रेस्पेक्ट में देखेगा तो इसका स्पीड क्या होगा, नजर आएगा जीरो रेस्ट में। फील आता है, जो फील जो चीज दिखता है ना फिजिक्स में, वही हम लोग बोर्ड पर लिखते पढ़ते हैं। सेम यहां पर अगर ब्लॉक का देखेगा तो वी जो होगा ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, वी से जा रहा तो वी से नजर आएगा जाते हुए। यानी कि काइनेटिक एनर्जी देखोगे हाफ एम जीरो का होल स्क्वायर, यहां से बोलेगा काइनेटिक एनर्जी इसका ब्लॉक का क्या है, जीरो, लेकिन यहां से देखेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितना नजर आएगा, हाफ एम वी का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा चीज है कि अलग अलग फ्रेम में बैठते हैं तो अलग अलग नजर आता है, इसको बोल देंगे क्या, डिपेंड कर जाता है। तो वर्क भी डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड कर जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों डिपेंड करता है ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सवाल आएगा, हम बनाएंगे, उस पर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी हमने सीखा, हो सकता है कि भैया फोर्सेस इंटरनल हो, चाहे कंजर्वेटिव चाहे नॉन कंजर्वेटिव, इक्वल ऑपोजिट हो, आप नेट मत कैलकुलेट करो, सारे फोर्सेस को इंक्लूड करो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता ही यही है कि क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इस ऑल फोर्सेस का मतलब होता है डू नॉट कैंसल एनी फोर्सेस। मैं किताब लिख रहा होता तो ये लाइन लिख देता, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, नोट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, डोंट कैंसल एनी ऑफ द फोर्सेस, तब लगता जरा कि पूरे तरह से सही है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी या सिस्टम जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इसी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, नेट वर्क डन। ये एक अलग चीज है, देखो नेट फोर्स निकाल लिए उसमें तो कुछ ना कुछ कैंसिल भी हो जाता है, और उसके बाद उसका वर्क डन निकाल रहे हैं वो एक अलग चीज है, वो होता है वर्क डन बाय नेट फोर्स, वो एक अलग चीज है। ये क्या है, दिस इज नॉट वर्क डन बाय नेट फोर्स, इसको बोलते हैं नेट वर्क डन। सवाल में कभी कभी बोलता है फाइंड नेट वर्क डन, तो क्या करें, तो इसका मतलब ही होता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इसको मैं ना इतना बड़ा लिख दे रहा हूं नेट, और मैं बड़ा लिखता हूं तो समझो कि बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंस। नेट वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, आप भी लिख लो, बहुत काम का चीज है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, डू नॉट कैंसल एनी ऑफ द फोर्सेस, ठीक। तो ये कहता है, तो भाई कितना तरह का टोटल फोर्सेस हुआ, अभी हमने देखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोलो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, अभी हमने देखा कि इंटरनल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। तो इन जनरल अगर कंजर्वेटिव लिखे तो उसके अंदर इंटरनल भी आ गया, तो एच सी वर्मा रीड करोगे कंफ्यूज मत होना कि ये इंटरनल क्या है भाई, सिर्फ कंजर्वेटिव को कोई बुक में लिखा रहता है ऐसा क्यों, कोई बुक में सिर्फ इंटरनल ऐसा क्यों, पूरा क्यों कंफ्यूज कर दिया भाई हम लोग को, सीधा लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और उसका मतलब हो जाएगा सब कुछ परम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये ताकि कभी गलती ना हो, विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक ठाक है। चलिए एक तो ये समझ में आया, दूसरा अगर इफ वी आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड फ्रेम या डिसेलरेटेड फ्रेम, जैसा ही अगर अलग फ्रेम से नॉन इनर्शियल, मैं इन जनरल लिखूं, इन जनरल लिखता हूं, फ्रॉम ए कैसा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हम लोग बना रहे हैं सवाल को तो वी विल टेक सूडो फोर्स ऑल्सो। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, भैया सूडो फोर्स भी आप काउंट करिए, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैंने बोला था ना कहाँ गलती, एक गलती देखिए यहाँ होता है, जब आप किसी और फ्रेम में बैठ गए तो वहां से जिस बॉडी का आप एनालिसिस करते हो भाई वो अलग अलग नजर आता है। बहुत सिंपल सा सवाल, एक ट्रॉली उसके अंदर एक पेंडुलम हैंग्ड होता है, हम उसके रेस्पेक्ट बनाते हैं, पेंडुलम थोड़ा घसकता है सूडो फोर्स की वजह से ना, तो अभी देखेंगे। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना,
तो कहाँ से लिखना है, विथ रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम जिसमें आप बैठे हो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी लिखना है, ना कि ग्राउंड से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल तगड़ा तरीके से कॉन्सेप्ट बनाओ। विथ रेस्पेक्ट टू दैट क्या है, फ्रेम। कोई फॉर्मूला रटंती विद्या नहीं, समझंती विद्या पर फोकस करना है, ठीक है। फिजिक्स से तभी प्यार होगा, फिजिक्स से, वरना जो है ना नफरत हो जाएगा, नफरत हो जाएगा, सबसे ज़्यादा चोट हमको पहुँचेगा, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, दिक्कत हो जाएगा। चलिए वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या हो गया, बड़ा आसान, टेक ऑल द फोर्सेस, डोंट कैंसिल एनी फोर्सेस। तो लेट एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कि क्या आ रहा है। उस फोर्सेस के अंदर भैया कांस्टेंट भी हो सकता है जो हम पूरा कैलकुलेट करके लाते हैं, और वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स मान लीजिए आ गया kx, तो वेरिएबल हो गया, जितना खींचते हो उतना स्प्रिंग फोर्स। तो लेट हम लोग करते क्या है, लेट एफ वन एफ टू एफ थ्री बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड एफ बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। क्या निकाल रहे, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस है डोंट कैंसल एनी ऑफ द फोर्सेस। क्या लिखेंगे यार, डोंट कैंसिल एनी फोर्स, कुछ मत कैंसिल करो, सारे को जोड़ करके लिख लो। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इतना था। बोलोगे सर आपने तो बोला था नेट फोर्स कभी मत कैलकुलेट करो, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? बच्चों डेरिवेशन के लिए, ठीक है, कि कैसे डेराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ये लिख लिया, इसका मतलब क्या, सारे फोर्सेस हम लोग ले रहे हैं, सारे को कैलकुलेट करके लेट यहाँ पर कुछ आया। लेट जो है पता है कि उसमें स्प्रिंग फोर्स भी आ सकता है या कोई वेरिएबल या कांस्टेंट, तो इन जनरल हम क्या मान ले ताकि सारी चीज़ इंक्लूड हो जाए, लेट दिस फोर्स भी वेरिएबल। तो ये कैसा फोर्स हो गया पता है, लेट एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है किसी ब्लॉक पर, लेट उसका सिंप्लिसिटी के लिए उसका मान लेते हैं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल आया, आ तो किसी भी डायरेक्शन में सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट या इंटीग्रेशन से निकाल ही सकते हैं, लेट ऐसे आया। इनिशियल वो ब्लॉक जो है यू स्पीड से चल रहा था, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस सारे फोर्स को लिए उसके द्वारा जो वर्क डन होगा इस पर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, उसका स्पीड चेंज कर जाएगा। हमको निकालना है कि बताओ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के कारण कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ और क्या हुआ। तो क्या करें, क्या करें, इसको लिख लिया आप, है ना, मैं ऊपर करता हूँ, देखो। तो यहाँ पर होगा क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्या है ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे भाई ये होगा क्या, सोचो जरा, टोटल फोर्स जो आया है एफ और डॉट क्या कर देते हैं एस, लेकिन ये क्या है सोचो जरा बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हम निकाल रहे हैं, इस एफ के अंदर है क्या, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री सारे फोर्सेस इंक्लूडेड है, लेट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है एस। तो हम लोग करें क्या, बोलेंगे यहां पर कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि F1 प्लस F2, अच्छा एक चीज कांस्टेंट ले लिए तो ऐसे कर लो, लेकिन अगर वेरिएबल हम लोग माने हैं, क्या मान लिए हैं, लेट रिजल्टेंट बच्चों क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल आया है तो करें क्या, सबसे पहले वो जो फोर्स है थोड़ा सा घसकेगा dx, तो थोड़ा सा वर्कडन करेगा dw, dx 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 कर करके यहाँ तक आएगा, तो टोटल वर्कडन हो जाएगा कितना पता है ना, इंटीग्रेट कर दे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल इसीलिए कॉन्स्टेंट होगा, तो ऐसे करते हैं। तो बोले लेट एफ जो है लगा डॉट डी एस, और ये क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो थोड़ा सा वर्क डन, इंटीग्रेट कर दिए तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस टोटल वर्क डन मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहा है, एफ वन प्लस एफ टू प्लस डॉट 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 प्रोडक्ट किसके साथ, डी एस के साथ, ठीक है। देखो ये क्या आएगा, एफ वन डॉट डी एस प्लस एफ टू डॉट डी एस प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते जाएगा, इतना डॉट डी एस उसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, ऐसे अगर करते चले जाएंगे, सारे फोर्सेस इंक्लूडेड है, एफ वन डॉट डी एस होगा क्या बच्चों, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, लेकिन पहला वाला फोर्स है तो डब्ल्यू वन आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू टू, फिर ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू थ्री डॉट 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 डॉट, यानी कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस जो होगा वो कैसे है पता है, इंडिविजुअल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, वर्क है स्केलर, इसीलिए अलजेब्रिक एडिशन आया है, इसमें कोई डॉट कोई कुछ कहीं नहीं, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ गया। अब ये जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है, हमने फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया तो उससे हुआ क्या, क्या हुआ, वर्क डन हुआ, सेम डायरेक्शन में लिए हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो क्या करें, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होगा ये क्या है, लेट जो टोटल फोर्स है एफ डॉट क्या हो गया डी एस, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सेम डायरेक्शन माने हैं, तो क्या हम इसको कह सकते हैं एफ डी एस कॉस जीरो, ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ इंटू डी एस,
इंटीग्रेट करके टोटल हम लोग निकालेंगे। वेलोसिटी हुआ है यू से बढ़कर वी, तो करें क्या, सिंस वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो फोर्स कैसा है भाई, वेरिएबल फोर्स इक्वल टू लिखे क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो पता है कॉन्स्टेंट, लेकिन जब वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, सोचो एक्सेलरेशन होता है डीवी बटे डीटी। सिर्फ टाइम की हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कितना डिस्टेंस गया, एक्सेलरेट किया है यू से हो गया वी, टाइम की यहाँ बात नहीं कर रहे। तो एक्सेलरेशन को लिखने का दूसरा तरीका जो है, आप लोग इसमें चैंपियन हो चुके हो, वी डीवी बटे डीएक्स, जो कि डीएस बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से अब इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन के दो रास्ते, ठीक है, वी डीवी बटे डीएक्स, तो हम ये यूज कर लेते हैं। पता चल गया क्यों यूज किए, क्योंकि टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया एम ए आई इन टू डी एस, इधर है देखो ये डीएस, डीएस क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पर बचा क्या एम वी डी वी, इस साइड क्या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे मिल करके काम किया, किसी को कैंसिल नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ, तो डीवी 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 आ गया, यानी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहां से कहां तक, बोले इनिशियल था यू, बाद में क्या हो गया वी, तो इंटीग्रेट करके यहां लाते हैं कि क्या आएगा, एम गया बाहर, वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, वी स्क्वायर बटे टू यू से वी, तो बोलेंगे देखो एम बटे टू तो इधर, वी स्क्वायर यहाँ पर है, यू से वी आ जाएगा, देखो हाफ एम, ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, सही है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो, खोलो अब इसको, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस आ रहा है हाफ एम यू स्क्वायर, इस साइड क्या है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। हेंस इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है ब्लॉक का, और ये वाला इनिशियल कितना है। सो इन जनरल मेरे पास एक आ गया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो है, डोंट कैंसिल एनी फोर्सेस, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू डॉट 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 डॉट। देखो बच्चों, पता है दो चीज़ है, आप लोग से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, कि देखो कैसे रटंती और समझंती विद्या, मैं बार बार बोलता हूँ क्यों ऐसा है, ये रटना बहुत आसान है, मेरे को डायरेक्ट अगर यही पढ़ाना होता ना, आपको लगता भी ठीक कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस W1 प्लस W2 सारे फोर्सेस आप ले लीजिएगा, उसके कारण वर्क डन निकाल लीजिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको लगता कि ठीक चल रहा है, गाड़ी गाड़ी फंस गया कहाँ पर, इंटरनल में, भाई गड़बड़ हो सकता है सारे फोर्सेस में, हो सकता है एक दो वो नेट के कारण कहीं गलती ना हो जाए, इधर उधर हम जीरो कर लें, तो उसके अंदर कुछ रहस्य छुपा हुआ है। अब ठीक है, अब क्या है, ठीक सवाल देखते हैं एक एक करके, सारे सवाल को वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे, ये सारे सवाल जो भी बना रहा हूं ना यहां से, सब अलग अलग मेथड से भी बनते हैं, किसी को फ्रिक्शन में देखे हैं, किसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, सब ठीक है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे, ताकि ये प्रूफ हो, सवाल कैन बी एनीथिंग, अगर फोर्स वर्क डन कुछ ऐसा कुछ है तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं एक एक करके, ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ सके। फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, लो भाई इसमें तो बोला भी नहीं कि फोर्स है वर्क डन है, कितना डिस्टेंस पे जाके ब्लॉक रुक जाएगा, फिर भी वर्क एनर्जी थ्योरम से सब कुछ बनेगा। देखो कैसे, एक ब्लॉक है 10 केजी का, इनिशियली जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब किसी ने धक्का दे करके वेलोसिटी इसको दिया, लेकिन पता है कि अब ये रगड़ाते हुए जाएगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक इधर लगेगा, धीरे 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 ब्लॉक कुछ डिस्टेंस गया होगा, कुछ डिस्टेंस लेट डी गया, आ जाके क्या हो गया, रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इसका पैर खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, धीरे धीरे रुक जाएगा, बोलता है स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालो, हमको क्या करना है भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्रह्मास्त्र थ्योरम। तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है वो सोचो, एम जी लग रहा है नीचे, ग्राउंड इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और तो कुछ है नहीं, क्या जानते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक दो तीन, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह करो गिन 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 गिन, ये देखो जरा सारे फोर्सेस ले लिया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए नॉर्मल ऐसे है, बॉडी जा ऐसे रहा है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन जीरो, एम जी ऐसे लग रहा है, ब्लॉक ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है 90 डिग्री, वर्क डन बाय एम जी, कहानी स्वाहा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सिंस वेलोसिटी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, कहानी स्वाहा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। फ्रिक्शन लग इधर रहा है, टोटल डिस्टेंस गया कितना डी, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस एफ एस, सेम डायरेक्शन है तो प्लस एफ एस, ये सिंस फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट उधर, तो क्या लिखेंगे, माइनस एफ के इनटू क्या हो जाएगा डी, ठीक है,
इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम है इतना, वी है 10 का होल स्क्वायर, 2 × 5 = 10, माइनस एफ के। देखो एफ के कैसे निकालेंगे, एफ के क्या होगा, म्यू एन, म्यू के इंटू एन, यहाँ पर क्या है भैया, वही म्यू है, हेंस वही हो जाएगा, तो म्यू के जो बोलो चाहे म्यू, इतना एन बराबर एम जी, तो 10 × 10, ये देखो चला गया चला गया चला गया, कितना आ गया 50। लेकिन अगर फ्रिक्शन आपका देखा हुआ हो, शॉर्ट ट्रिक पता रहेगा, ये भी 4 सेकंड बचेगा, कैसे, क्या है डेसिमल के बाद कितना, 5 × 5 = 50, कहानी खत्म, 50 लिखवे मत करो कुछ, हवा में कैलकुलेट, ठीक, छोटा चीज़ है लेकिन फिर भी जानो, कितना काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ 50, डेसिमल के बाद 5 × 50 इंटू टोटल डिस्टेंस गया इतना, माइनस ये 100 × 5 = 500, स्वाहा स्वाहा, 10 × 0 = 5 × 50, यानी कि डिस्टेंस कितना जाएगा, 10 मीटर ये जाएगा। तो देखो कैसे निकलता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अब क्या किए, एक ब्लॉक लिए, इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ मेरे पास थीटा, यू वेलोसिटी से कोई धक्का दे करके दिया, बोलता है क्या फ्रिक्शन यहाँ पर है रफ सर्फिस, कितना दूर पर जा करके रुक जाएगा, अभी क्या किया था, हॉरिजॉन्टल में धक्का देकर के छोड़ दिया, बताओ कितना डिस्टेंस पे रुकेगा, अभी पूछता है कि कितना दूरी पे जाकर रुकेगा, क्या करें हम, क्या करें हम, बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, ब्रह्मास्त्र थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, पूछ भी नहीं रहा है कि कितना फोर्स है और कितना वर्क डन है, सवाल बन जाता है, वही लिखा हुआ बच्चों है ना जो मैंने कहा, तो देखो क्या बोले, लेट ये जो है ना यू वेलोसिटी से फेंके, फ्रिक्शन है तो पता है कि पीछे लग रहा होगा, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन, रगड़ाते हुए जा रहा, गया कुछ डिस्टेंस डी, जा करके कहीं ना कहीं रुक गया, तो रुक जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, भैया कितना फोर्स लग रहा है आइडेंटिफाई करो, तो बोले एक इस पर एम जी लग रहा है, ये ग्राउंड इसको मतलब ये सरफेस इसको क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, सिंस ये जा ऐसे रहा है तो हम करते क्या, सिंपल करने के लिए आप लोग के लिए, सिंस ग्रेविटी एम जी ऐसे लग रहा है तो इसका दो कंपोनेंट पता है, अलोंग द प्लेन एम जी साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम जी कॉस थीटा, तो एम जी को रिजोल्व कर लेते हैं दो भाग में और दोनों के कारण वर्क डन निकाल लो। बच्चों वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, चाहे उसका कॉम्पोनेंट ही दो भाग में क्यों ना तोड़े हो, सारे से निकालते जाओ ना, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे हमेशा क्या खुश, हमेशा खुश रहना है। देखिए तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो हम करेंगे क्या, बोले भाई इसके द्वारा निकाल लेंगे, इसके द्वारा निकाल लेंगे, इसके द्वारा निकाल लेंगे, इसके द्वारा निकाल लेंगे, टेंशन है खत्म। वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा, वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा, हाजिरी लगाते जाओ भैया, और कौन कौन हो सर, लाइन में आ जाओ सब, हाँ काइनेटिक भी है सर, ठीक है आ जाओ, यस सर, सब हो गया, सबका नंबर ही है ना, हाजिरी लग गया, ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल, कहानी खत्म। अब देखो नॉर्मल ऐसे ब्लॉक जाता है परपेंडिकुलर में, देख रहे हो, तो नॉर्मल के कारण वर्क डन, कहानी खत्म। एम जी कॉस थीटा भी ऐसे जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहानी खत्म। बोलिए मेरे साथ साथ, स्वाहा, एम जी कॉस थीटा स्वाहा, फाइनली जाके रुक गया, फाइनली जाके रुक गया, हाफ एम वी स्क्वायर स्वाहा, तो सब स्वाहा, खाली स्वाहा होता है, बड़ी मजा आता है बनाने में, स्वाहा बचा क्या, चलो भाई कुछ बचा है, बड़ी मजेदार थ्योरम, मेरे को बहुत मन लगता है, हाँ ठीक है इनिशियली, अब लिख देते हैं है ना, जो भी है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा लग रहा है इधर जा रहा है उधर, माइनस सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस, ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इधर, ब्लॉक जा रहा है उधर, माइनस, तो बोले वाह ये क्या हो गया, एम जी साइन थीटा लग रहा है इधर जा रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना, लेट इट बी डी, जिसको हमको निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लगता है इधर जाता है उधर, तो बोलेंगे भैया माइनस एफ के इंटू डी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है ब्लॉक का, हाफ एम यू का स्क्वायर, वाह लिखते जाओ, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू डी, फ्रिक्शन क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक का, म्यू के इंटू एन, एन किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर, सिंस म्यू म्यू है तो ये आ जाएगा म्यू एन, तो जो कि हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, सर क्या कर रहे हो, हमको डी निकालना है, आंसर आ गया, जय हो, माइनस 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 सब स्वाहा, तो माइनस ले लीजिए भैया, डी भी ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर है जो आंसर चाहिए, तो माइनस डी अगर कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, एम जी साइन थीटा,
प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, स्वाहा स्वाहा खाली काटते जाओ। तो व्हाट इज डी इक्वल टू, डी इक्वल टू उधर है एम यू स्क्वायर, नीचे है टू, ये पूरा उठ करके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस ऑफ क्या है थीटा। दो अनजाने सही है ना बच्चों, एकदम ठीक ठाक लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, ये क्या है, एक पेंडुलम है, बॉब है, एक स्ट्रिंग के स्ट्रिंग का लेंथ एल है, उसके साथ ये हैंग्ड है, एक फोर्स लग रहा है, देखो कैसा है, द बॉल इज स्लोली शिफ्टेड एट एन एंगल थीटा। स्लोली जब भी फिजिक्स में बोले ना मतलब होता है स्लोली, बोलोगे वाह सर तो फास्ट मतलब क्या होता होगा, फास्ट मतलब फास्ट होता है, स्लोली मतलब जो कितना वेलोसिटी भैया जीरो ही समझ लो, 0.00 70-80 साल तक जीरो लगाते रहो, कहीं मरने से पहले वन लगा देंगे, तो कितना छोटा होगा, स्लो मतलब स्लो होता है जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा जीरो। तो बोलेंगे भाई स्लोली, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके गया एट एन एंगल थीटा, मतलब यहाँ से यहीं तक लेके गया, ठीक, विथ वर्टिकल बाई अप्लाइंग ए वेरिएबल फोर्स, फोर्स कैसा है भाई वेरिएबल, फाइंड वर्क डन बाई दिस फोर्स। देखो जब कांस्टेंट फोर्स अगर होता है ना, तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर वन के अंदर ही, जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो बड़ा बढ़िया है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट तरफ निकालो या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के तरफ आ जाता था आंसर, बहुत अच्छा सा सीख चुके, याद है मैं बताऊंगा आपको एक झलक, अगर ये कांस्टेंट होता ना तो ऐसे किए थे, बोले भाई फोर्स लग रहा है इधर, इसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बोले इनिशियली ये बॉब यहाँ है फाइनली यहाँ है, तो भैया इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम यहाँ से निकाल लिए थे, ये था एल, तो बोले इधर हो जाएगा कितना एल कॉस थीटा, इस साइड हो जाएगा एल साइन थीटा, तो बोले फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एल साइन थीटा, एफ एल साइन थीटा, ये हो गया था मेरा आंसर। लेकिन जब वेरिएबल फोर्स हो, इसका डिपेंडेंस कैसा है हमको पता ही नहीं चलता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हालांकि फोर्स कुछ भी हो हमको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आता अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्रह्मास्त्र थ्योरम क्या करें, वर्क डन पूछ दिया, भैया तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से बन जाओ बस। तो हमसे पूछा है कि वर्क डन बाई दिस वेरिएबल फोर्स क्या होगा, ठीक है, करते क्या है, बोले इस पर फोर्स क्या क्या लग रहा है, बोले एक तो mg लग रहा होगा, नीचे रस्सी है तो इसको एक टेंशन लग रहा होगा, एक फोर्स ये वाला है तो ये लग रहा है, यही तीन फोर्स है और तो कुछ है नहीं, हम क्या जानते हैं, वर्क डन बाय टेंशन, हाजिरी लगाओ सबको, आओ mg सर हम भी है, सर f भी है, ठीक है और कोई है, नहीं है, सब हो गया, ठीक, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सिंस जब भी फिजिक्स में बोले स्लो तो मतलब यहाँ तो इनिशियली वेलोसिटी क्या है जीरो, कुछ देखे नहीं रखा है, धीरे 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 इतना स्लो जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी क्या जीरो, सिंस वेलोसिटी जीरो कहानी स्वाहा, वेलोसिटी जीरो कहानी स्वाहा, ठीक है, फाइनल भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा खत्म, इनिशियल भी क्या हो गया खत्म, ठीक। अब देखते हैं ये जा रहा है कैसे, वो सोचो जरा, जब भी एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हो आदत डाल लो, ऐसे अगर जा रहा है तो ये सर्कुलर पाथ पर ये बॉब जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में जानते हैं हम लोग, टेंशन किधर लग रहा है इधर, टेंशन और इसके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ भी देखोगे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, टेंशन ऐसे है, दोनों के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री हमेशा, तो वर्क डन बाय टेंशन स्वाहा कहानी खत्म। तो वर्क डन बाय टेंशन जो है ना ये टी एस इंटू कॉस 90 के कारण क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया। एम वर्क डन बाई एफ तो हमको निकालना ही है, कोई बात नहीं ये सब तो खत्म ही हो गया, एम जी के द्वारा वर्क डन कैसे निकाले, तो बोले ब्लॉक था यहाँ और गया कहाँ है, यहाँ से गया यहाँ, तो भाई एम जी लग इधर रहा है, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स कैसे करके ना यूज़ कर रहा हूँ कि पाथ डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट, जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा ना तब आपको बताऊँ कि वर्क डन बाई एम जी निकालने का एक अलग तरीका क्या है और आप हमेशा उसी तरीका को यूज़ करिएगा। अभी क्या करें, एम जी लग रहा है नीचे, अब ब्लॉक चल गया यहाँ से यहाँ, तो एम जी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन रास्ता, चाहे इधर से जाए और चाहे उधर से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिधर से निकाल लो आंसर आ जाता है। तो भाई इस तरफ से यहाँ जब जाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट ही हमको नहीं पता है ना, पता ही नहीं कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो करें क्या, ऐसा करते हैं हॉरिजॉन्टल ये लाइन बना देते हैं ऐसे, गया यहाँ तक है ठीक, ये लाइन ऐसे बना दो, तो बोले भाई देखो क्या करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, गया है कहाँ से कहाँ, ए से सी डायरेक्ट, लेकिन क्या इस रास्ते में हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, इसलिए क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं, पता है क्या, ए से बी निकाल लेते हैं और फिर बी से सी, बोलोगे क्यों, है ना क्यों, तो मैं बताता हूँ,
एम जी में गया तो ए से सी है डायरेक्ट, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एम जी निकाल लो आप ए से बी अलग और प्लस वर्क डन बाई एम जी निकाल लो आप बी से सी। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना यहाँ से यहाँ एम जी लग रहा होगा नीचे, ये कितना गया है, ये एच हाइट जो है ना हम आराम से निकाल सकते हैं, ए बी डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस ये भी हमको पता है क्या होता है, तो जिधर थीटा सटा हुआ है देखो ये आ जाएगा एल कॉस थीटा और ये आ जाएगा एल साइन थीटा, यानी बी से सी डिस्टेंस पता चल गया। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, ये भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा एल, उसके अंदर यहाँ से यहाँ तक है एल कॉस थीटा, तो क्या जगह नहीं है, तो h बराबर मैं डायरेक्ट लिखूं टोटल l, उसमें से l cos थीटा माइनस कर दो तो h निकल गया, तो h आ जाएगा l माइनस l cos ऑफ क्या है थीटा, हो गया। तो ऐसे करके निकाल लेंगे। अब देखते ए बी, ए से बी में mg लग रहा है नीचे, ब्लॉक जा रहा है ऊपर, ए से बी रास्ता इधर ऐसे ऐसे गया है यहां से यहां तक में, तो ये इधर वो उधर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एच, ठीक। बी सी में क्या है, बी से सी डिस्प्लेसमेंट है इधर, एम जी लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो क्या आंसर आएगा जीरो 90 के कारण, तो ये कहानी खत्म। देखो ना एम जी किधर हमेशा लगेगा डाउनवर्ड एम जी, और डिस्प्लेसमेंट किधर इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो बी से सी में कहानी खत्म, हम पहुंच गए ए से कहाँ बी, ए से सी ऐसे ऐसे, तो इधर से निकाल लो माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच क्या है एल माइनस एल कॉस थीटा, माइनस एम जी एल आई इंटू क्या वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसका यूज बहुत फ्रीक्वेंटली होगा हमेशा ग्रेविटी निकालने के लिए, जब ऐसे सर्कुलर मोशन में चलेगा ना किसी स्ट्रिंग के साथ, तो पूछो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से यहां तक, तो थीटा सिर्फ देख लो लिख देंगे माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। अब देखो क्या है, हमको खाली पुट करना है, निकालना है वर्क डन बाय एफ, तो बोले भाई वर्क डन बाय टेंशन जो है वो तो है जीरो, वर्क डन बाय एम जी कितना आया है माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस ऑफ क्या है थीटा, ठीक। वर्क डन बाई एफ ये तो निकालना ही है हमको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सब क्या है जीरो जीरो जीरो, सो व्हाट इज वर्क डन बाई एफ, ये आगे ये माइनस है ना उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये आंसर आ जाएगा एम जी एल आई इंटू वन माइनस क्या है कॉस ऑफ थीटा। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत फ्रीक्वेंट आता है एग्जाम में, ऑलरेडी पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा, हर जगह आएगा, ऐसा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ए बॉल ऑफ मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट एच, क्या बोला एक बॉल ऑफ मास एम है एच हाइट से उसको रिलीज कर दिया गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इट हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड रूट जी एच, ग्राउंड पर आके हिट किया जमीन को कितना से रूट जी एच से, पूछता क्या फाइंड द वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव बोले ग्रेविटी बोले फोर्स तो कुछ भी बोलो, वर्क डन फोर्स बोले वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या करें, तो ये इनिशियल हो गया यहाँ, फाइनली ये यहाँ आ गया, तो भाई हमको पता है जब ये ब्लॉक ये जो बॉल है नीचे जब आ रहा है तो इस पर फोर्सेस कौन कौन लग रहा है, एक तो ग्रेविटी लग रहा है, और बोल दिया कि रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है, यानी कि जैसे कैसे कलम छोड़ते हैं एयर रेजिस्टेंस भी तो लगाता है ना, एयर ओपोज भी तो करता है, हम लोग जनरली उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालो, तो निकालो, तो बोलेंगे इस पर जो है ना एक ये भी लग रहा है और एक और लग रहा है कौन रेजिस्टिव फोर्स, सब हाजिरी लगाओ भाई, वर्क डन बाई एम जी यस सर, वर्क डन बाई रेजिस्टिव यस सर, और कुछ है नहीं, तो नहीं है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ठीक है। देखो वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई एम जी लग रहा है इधर और बॉल आ भी रहा है इधर, सेम डायरेक्शन, आंसर हो जाएगा क्या चीज प्लस एम जी इंटू टोटल कितना है एच हाइट, ठीक। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हमको निकालना है, रहने दो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये यहाँ इनिशियल, ये इनिशियल स्पीड है जीरो, तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो जीरो हो गया, यहाँ पर कितना है तो बोलेंगे फाइनली जो है ना जमीन पर टकरा है हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हाफ एम वी स्क्वायर कितना है तो बोलेंगे रूट जी एच का होल स्क्वायर माइनस उधर जा करके क्या आ जाएगा एम जी एच, यानी कि जी एच का होल स्क्वायर करेंगे रूट का तो जी एच, तो एम जी एच बटे टू और माइनस एम जी एच, आंसर कितना आएगा आधा माइनस एक यानी माइनस आधा, तो माइनस एम जी एच बटे कितना आ जाएगा टू, तो ये हो गया वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ग्राफिकल बेस्ड, एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमसे पूछा इफ ए पार्टिकल ऑफ मास है, कितना मास है देखो 0.1 के जी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कहाँ पर एट x इक्वल टू जीरो, ठीक।
x इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी देके रखा है जीरो, इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल टू 12 मीटर पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा एट x इक्वल टू 12 मीटर, कैसे आइडेंटिफाई करें। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो समझ में आता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन, और वेलोसिटी वेलोसिटी के बारे में जिक्र कर रहा है मास दिया हुआ यानी कि काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही पता चलता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, कैसा भी सवाल हो ग्राफिकल ये वो वेरिएबल सब बन जाता है। तो लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय जो भी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, जो भी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो है ये हो क्या जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन सिंस एक ही फोर्स जो है या जो लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देता है मेरे को क्या देता है, वर्क डन, यानी ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का क्या है होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, तो जीरो होने के वजह से ये स्वाहा हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितना है हमको निकालना है। एरिया ऑफ द ग्राफ क्या है, तो बोले यहां से लेकर के यहां तक पूरा एरिया निकालोगे एक ही बार में, ये दे देगा क्या ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट आ जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर ही है पॉजिटिव वर्क डन, नीचे रहता तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये है कितना डिस्टेंस, तो आठ में से चार गया ये होगा चार, ये वाला कितना होगा टोटल है बारह, तो बोलेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड चार प्लस बारह इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कितना टोटल है दस, इक्वल टू हाफ, एम कितना है 0.1 केजी और वी फाइनल तो हमको निकालना है, तो दो पचे दस, बारह चार कितना हो जाएगा 16, पचे कितना है 80, ये इंटू टू डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू वी एफ का होल स्क्वायर, तो देखो ये गया इंटू आ जाएगा 10, हेंस फाइनल वेलोसिटी देखो रूट अंडर आ जाएगा 8 दूनी 16, दो जीरो 1600 है, तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी बॉडी का, ठीक है। तो ये हुआ ऐसे। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों क्या है, द वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, दे के रखा है क्या वी इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, ठीक है, वेयर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, फाइंड वर्क डन बाई दिस फोर्स फ्रॉम कहां से कहां, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू 2 मीटर, कहां से कहां भाई, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू 2 मीटर तक, ठीक है। जैसी बोला वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम तुरंत, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मेरे पास डायरेक्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, बोल भी रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पहले अब बाद में एक्स इक्वल टू 2 मीटर तक, तो डायरेक्ट मेरे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो डिपेंडेंस वाला में कैसे निकालते हैं वो भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा अल्फा रूट एक्स, एक्स क्या है भाई जीरो, रूट जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी अल्फा रूट एक्स, एक्स है टू तो ये आ गया कहता रूट टू अल्फा, ठीक है। तो सिंस इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा हाफ एम वी आई का जो होल स्क्वायर हो जाएगा, जीरो होने के वजह से बच्चों ये क्या हो गया जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, हाफ एम वी एफ का होल स्क्वायर, तो यह हाफ एम, एम एम क्या है एम एम ही है, वी एफ क्या है रूट टू एफ, तो रूट टू सॉरी रूट टू अल्फा, तो यह आ जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा अल्फा यानी कि एम अल्फा का होल स्क्वायर। हमसे पूछा फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स जो भी होगा ये, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल एम अल्फा स्क्वायर माइनस जीरो क्या हो जाएगा एम अल्फा स्क्वायर, यानी कि देखो कैसे डिपेंडेंसी वाला भी सवाल जो है बनता है। हैंस वर्क डन बाय दिस फोर्स या ऑल फोर्स जो भी है फाइनल माइनस इनिशियल या जाएगा एम अल्फा स्क्वायर माइनस जीरो, हैंस क्या आ गया एम अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों से, देखो नेक्स्ट बहुत सारा सवाल है एक एक करके देखते चलते हैं। व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 केजी एम 2 केजी, पोजीशन जो है ना टाइम डिपेंडेंट ऐसे दे के रखा है कैसे, एक्स इक्वल टू टी क्यू बटे 3, मास दे के रखा है 2 केजी, हमसे क्या पूछा है वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो बस हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कहानी खत्म। इन फर्स्ट 2 सेकंड बोला है का मतलब क्या, इनिशियली टी इक्वल टू 0 सेकंड होगा, बाद में टी इक्वल टू 2 सेकंड तक जो है हमको बताओ कि क्या, हम जानते क्या है वर्क डन बाई
ऑल फोर्सेज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम तो चलो कॉमन है, बस कोई वेलोसिटी निकाल करके दे देना, वो वेलोसिटी चाहे एक्स डिपेंडेंट क्यों ना हो या चाहे टाइम डिपेंडेंट, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेलोसिटी दे दें, वाह वाह वाह, तुरंत रख देंगे। इन फर्स्ट टू सेकेंड बोला है और एक्स ये है, क्या एक्स जो टाइम डिपेंडेंट है आप वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसी में तो पूरा काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़े हैं कि सिंस एक्स इक्वल टू देखो टी क्यू बटे थ्री है, वेलोसिटी होता क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, वी इक्वल टू डी एक्स बटे डी टी, यानी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी निकल गया, करो डिफरेंशिएट, डी बटे डी टी, एक्स है टी क्यू बटे थ्री, आंसर कितना आएगा बच्चों, वन बटे थ्री, और टी क्यू का हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी, थ्री थ्री चला गया, वेलोसिटी देखो कितना आ रहा है टी स्क्वायर, पता चल गया। तो सिंस टी स्क्वायर है, इनिशियल क्या है टी इक्वल टू जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जब बोलेंगे तो भैया जीरो का होल स्क्वायर जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या बोलोगे, टू सेकेंड पर बोला है तो टू का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा फोर, निकल गया फाइनल माइनस इनिशियल, एम कितना है टू के जी, सारे चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो तो हाफ इंटू टू के जी, फाइनल इतना कितना है फोर, तो फोर का होल स्क्वायर इनिशियल कितना है जीरो, यानी क्या हो गया स्वाहा स्वाहा चार चौक 16 जूल, ये आ गया मेरा आंसर। तो समझ में आ रहा कि अच्छा टाइम डिपेंडेंट हो तो सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं, ये एक पेंडुलम है, बॉब का मास एम है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, एक ट्रॉली है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ये सवाल मैंने इसलिए दिया, ये जो है ना हम लोग ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सूडो फोर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं सेम सवाल, लेकिन इससे रिलेटेड होता है, देखो क्या, फाइंड द एंगल मेड बाय द पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। दूसरा सवाल है क्या, फाइंड द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल। जब भी मैक्सिमम पूछता है तो क्या, ये सीखने की जरूरत है, देखते हैं बच्चों। सिंस एनएलएम में ये पढ़ चुके हैं कैसे क्या है, देखो ग्राउंड से डायरेक्ट अटैच है ये ट्रेन या ट्रॉली, और ट्रॉली के अंदर एक बॉब है उसका स्टडी करना है, तो क्या बोलते हैं कि भाई जाकर के ट्रॉली में बैठ जाओ और तब डायरेक्ट देखो, बड़ी आसान होता है, क्यों, ग्राउंड से देखेंगे ट्रॉली जा रही है एसलेशन से तो हमको ये भी नजर आएगा जाते हुए, लेकिन अगर ट्रॉली में ही बैठे गए ना तो हमको वो रेस्ट में नजर आएगा, और रेस्ट में नजर आता तो बड़ा आसान होता है एनालिसिस करना, सिर्फ आंसर गलत आता है, इसीलिए सूडो फोर्स ऐड करते हैं क्योंकि न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहां से जब देखेंगे तो क्या क्या होगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल मैं बना रहा हूं, क्या है, तो बोलते देखो नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लगेगा टेंशन टी, इस पर पता है हम बैठे इधर जा रहे हैं इस एक्सेलरेशन से इधर, इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम इधर जा रहे हैं उसके ऑपोजिट में लगेगा कितना एम ए, मास उसका जिसको देख रहे हैं एक्सेलरेशन जिसमें हम बैठे हैं, ठीक है, तो इधर लग गया, ये देखो ये तो दोनों बैलेंस लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से क्या है, ये वाला पेंडुलम इधर घसक जाता है, लेकिन जैसे ही ये घसकता है कुछ एंगल बनाएगा तो भैया ये दोनों इसका पैर खींचता है, भाई काहे बढ़ रहे हो, तो हैंस इक्विलिब्रियम में जितना ये बढ़ना चाहता है जितना ये खींच खांच करके चुपचाप रोक देता है, तो इसके अंदर हम बैठे हुए देखते हैं सूडो फोर्स का थोड़ा घसका, बस टी का ऑपोजिट वाला रोक करके उसको रोक दिया, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर दो, वर्टिकल वर्टिकल बैलेंस कर दो, देखो कि क्या आता है इक्विलिब्रियम का मतलब। बोलोगे सर अभी तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहे थे, अभी कैन पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल है, सिंपल से इक्विलिब्रियम से कितना एंगल बनेगा क्या करें, तो बोलेंगे देखो ये लेट यहां तक घसक करके आया, थीटा एंगल बनाया, नीचे एम जी लग रहा है, हुआ क्या टेंशन टी इधर लग रहा है, सूडो फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो कॉन्स्टेंट है एम ए, ठीक, इसका क्या होगा, ये थीटा तो ये थीटा, टी का एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा जिधर थीटा सटा हुआ है, टी कॉस थीटा इस साइड आ जाएगा कितना टी साइन थीटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बैलेंस, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम, यानी नेट फोर्स कोई भी डायरेक्शन में ना लगे, इधर इधर बैलेंस, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी, इक्वेशन वन इक्वेशन टू डिवाइड कर दो वन बटे टू, तो जब डिवाइड करेंगे टी टी कैंसिल, साइन बटे कॉस आ जाएगा कितना टेन थीटा, और ये एम एम कैंसिल ए बटे जी, हेंस थीटा बराबर आ जाएगा कितना टेन इनवर्स ए बटे क्या आ जाएगा जी, तो ये हो गया ये थीटा कि इक्विलिब्रियम में कितना बनाएगा। लेकिन जब सवाल पूछता है कि भैया मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है, तो इसका कहानी कुछ और होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, और वरना ऐसे फीलिंग नहीं आएगा फिजिक्स का, जब तक दुनिया प्रैक्टिकली नहीं देखेगा ना फिजिक्स दिखता ही नहीं है।
बच्चों एग्जामिनेशन आपका कल सुबह हो 9 बजे, बोर्ड का एग्जामिनेशन 10th का 12th का, तो उस रात में पहले वाला जो रात है कैसा पढ़ते हैं, खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं, वो अपना पूरा बॉडी का मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन 6-7 महीने पहले, अभी मार्च में एग्जाम है ना, इसी अगस्त सितंबर में अभी पूछ रहा हूँ कैसा पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंड आता है चलो मूवी देखने, बड़ा मस्त मूवी लगा है, तो बस हो गया, बस ज़्यादा जाना पढ़ने की जरूरत नहीं, चले मूवी देखने के लिए, चलो मटर गश्ती करने चले जाते हैं, यानी क्या है पढ़ते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट भी होकर के रुक गए, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन जब पूछता है कि मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हो, वो कहानी कुछ और है। सबके पास खतरनाक कैपेबिलिटी है, आप लोग के पास ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए, बात अलग है हम लाना नहीं चाहते हैं, ये कड़वा सच लेकिन सच्चाई है। बच्चों बुरा मत मानना, ऐसी मैं कह रहा हूं ताकि ना चीजें समझ में आए फिजिक्स बढ़िया से। एग्जाम की एक रात पहले पूरा कॉपी कैसे पढ़ देते हो, सारा किताब कॉपी सब पढ़ देते हैं, टॉप भी कर जाते हो, अच्छा नंबर भी आ जाता है, कैसे? वही चीज को रेप्लिकेट अगर कर ले 365 डेज में, तो झंडा नहीं काट देंगे, ऑल इंडिया और टॉप 10 में नहीं आएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 में कहीं नहीं आएंगे, बट 1 से 10 तक के अंदर घुस ही जाएंगे, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, इसीलिए नहीं आते। तो सोचो जब भी पूछे ना आपका मैक्सिमम क्या एफिशिएंसी है पढ़ने का, तब भाई एग्जामिनेशन की एक रात पहले क्या है, अपने हाथ को बोलते हैं तुम रुकना मत, रात भरदम लिखते रहना, चलते रहना, ठीक है। ब्रेन को बोलते भैया तुम काम करते रहना, रात भरदम चलते रहना, ठीक है। आंख तुम पलक मत झपकना, ठीक है, नींद मत आना, चलते रहना। बॉडी तुम सुस्त होकर के सो मत जाना, खड़े रहना। ऐसे यानी हर चीज का ना मैक्सिमम 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 एफिशिएंसी देखते हैं, जिसके वजह से 7-8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा रात भर हम पढ़ लेते हैं। यहां पर भी वही है, ये नॉर्मल डेज में इक्विलिब्रियम में, ठीक है, घसकना चाह रहा था, एगो पीछे खींचा, डाइवर्ट होके बोला दो कितना पढ़ेंगे, चलो रुक जाओ, तो रुक गया। लेकिन जब पूछता है ना मैक्सिमम कितना जा सकते हो, तो देखो क्या, जैसे बोले ना हाथ, ब्रेन, शरीर, आंख, सबको बोले मैक्सिमम, यहां पर बोलते हैं कि भाई एक चीज तो समझ में आ रहा है, ट्रॉली डायरेक्ट ग्राउंड से अटैच है, इसका स्टडी करना है तो हम इसमें जाकर के बैठ गए और तब जाके एनालिसिस कर रहे हैं, इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा, एक लग रहा होगा टेंशन, एक लग रहा होगा MG, हम इसमें बैठे एक लग रहा है सूडो फोर्स, तब हम बोलते हैं ए हाथ तुम मैक्सिमम कितना काम कर सकते हो वो बताओ, करो आज, क्योंकि आज मैक्सिमम की बात है, तुमको झंडा गाड़ना है। MG कितना काम कर सकते हो आज, तुम मैक्सिमम काम करो, तुम कितना काम कर सकते हो, सारे लोग अलग 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 अपना काम करो, जो होगा देखा जाएगा कल एग्जाम में, तो मैक्सिमम काम हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, सबके द्वारा इंडिविजुअल वर्क डन निकालो, देखो क्या होता है जिंदगी में, ठीक है। तो तब निकलता है मैक्सिमम। अच्छा अब हम बैठ गए यहां, देख रहे हैं इस पे लगा सूडो फोर्स MA, ये कैसा फोर्स है, M कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स है, इसके वजह से हुआ क्या, T इधर MG इधर, लेट जो है ना मैक्सिमम ये डिस्प्लेस कर गया, कितना थीटा नॉट बोल देते हैं, ये कैसा है मैक्सिमम एंगल, कुछ दूर तो जाएगा ही, मैक्सिमम एंगल हमको निकालना है, तो लेट मैक्सिमम कितना गया। तो इसमें जब हम बैठे हुए हैं तो हमको शुरू में कैसा नजर आ था, रेस्ट में, जब सब जो भी टेंशन MA सब है अपना मैक्सिमम काम किया, घसकाने उसके वजह से क्या हुआ, ये घसका इधर, घसक करके मैक्सिमम एंगल यहां जाके रुक गया, तो फिर हमको कैसा नजर आएगा, रेस्ट में ही नजर आएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी कैसा होगा इसका, जीरो विथ रेस्पेक्ट टू ये, और फाइनल भी क्या होगा, जीरो विथ रेस्पेक्ट टू ये, ठीक है। लगाने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बोलेंगे भाई देखो सूडो फोर्स तो इस पर MA इधर लग रहा है, क्या क्या है, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय MG, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, और कुछ है क्या, नहीं, तो जब और कुछ नहीं है विल बी इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इसीलिए लेक्चर का शुरुआत में पढ़ाए थे ये कैसा एनर्जी होगा, सिंस सूडो फोर्स आया है तो ये लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, अब समझ में आ रहा होगा, ओ ऐसा भी होता है कि बदल जाता है काइनेटिक एनर्जी, ग्राउंड से देखोगे कुछ और नजर आएगा, इसमें से देखोगे आपको हमेशा रेस्ट में ही नजर आएगा, आसान हो जाता है सवाल बनाना। तो सिंस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो हेंस ये भी क्या हो जाएगा जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, समझ में आ रहा है, तो ये गया, ये भी गया, ठीक। टेंशन अभी हमने देखा कि भाई कोई भी चीज बॉब ऐसे अटैच जो सर्कुलर मोशन में चलता है, टेंशन के द्वारा वर्क डन हमेशा क्या होता है जीरो, थोड़ा देर पहले जो सवाल में एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। MG लग रहा है नीचे और ये गया यहां तक, ठीक है, ऐसे करके, तो टोटल कितना हाइट इधर गया है H, देखो जरा ऐसे, सेम सवाल बच्चों, A इसको बोलते हैं, B ये गया C, गया A से C है, लेकिन बोले ये डिस्टेंस हमको नहीं पता तो हम इधर से निकाल लेते हैं, किधर, A से B, B से C, तो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, टोटल लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, L, टोटल लेंथ कितना है L, यहां से यहां क्या गया L cos थीटा, तो भैया H क्या आ जाएगा L माइनस L cos थीटा। तो अभी हम देखे थे
हमारा जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा पहले वो देखो, बचेगा क्या, वर्क डन एम जी बच रहा है यहाँ, वर्क डन बाई सूडो फोर्स बच रहा है, और फाइनल भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो कहानी खत्म। यानी कि अच्छा बस इतने वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई सूडो निकाल लो, कहानी खत्म। इसी के अंदर मैक्सिमम थीटा छुपा हुआ, देखने से दूर दूर तक नहीं लगेगा कि जो है ना इसके अंदर कोई एंगल भी आएगा क्या। आंसर बिल्कुल आता है। एम जी के द्वारा जो वर्क डन होगा हम अभी देख चुके हैं, कहाँ जा रहा है ए से सी, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, ए से बी अलग निकाल लो और बी से सी अलग निकाल लो। अभी जस्ट देखे थे, याद करिए, माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, ये हो गया क्योंकि थीटा नॉट मैक्सिमम ये गया है थोड़ा देर पहले जो ये किए थे। तो यार माइनस एम जी एल कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस कितना कॉस थीटा नॉट, ये हो गया भाई एम जी, क्योंकि ए बी तक में तो वर्क डन किया एम जी, इधर एच ऊपर माइनस एम जी एच हो गया, इस साइड वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो, तो ये कहानी क्या हो जाता है खत्म, बी सी में कोई वर्क डन नहीं। ठीक, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो लग रहा है एम ए इधर, और ये कैसा है कॉन्स्टेंट फोर्स। भैया जब भी कॉन्स्टेंट लगता है फोर्स तो बस देख लो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कहानी खत्म। बताओ कि क्या डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो बोले ये जो फोर्स है कैसा है कॉन्स्टेंट, तो इस डायरेक्शन में है फोर्स। भैया इसी डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट ये, क्योंकि यहां से लेकर के यहीं तक, फाइनली यहां था बॉब, आया यहां तक है, फोर्स लग रहा है इधर, इसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक पॉसिबल, क्या है लेक्चर वन वाला, दिस इज एल, तो इधर आ गया एल कॉस थीटा नॉट, ये देखो कितना आ जाएगा एल साइन थीटा नॉट, इस ट्राइंगल में देखो तो फोर्स और इसी साइड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यानी एम ए इंटू एल साइन थीटा नॉट आ गया। ठीक है, तो वर्क डन बाई सूडो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब सूडो जो भी फोर्स है आई इंटू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सूडो फोर्स है एम ए, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है एल साइन थीटा नॉट, बस यही दोनों है, उसको उठा करके जीरो कर देंगे आंसर आ जाएगा ना, सॉल्व कर लो। तो कितना है मेरे पास, माइनस एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा नॉट, कहां से सॉल्व करें यहां से, ठीक है, प्लस सूडो फोर्स, सूडो फोर्स कितना है एम ए एल साइन थीटा नॉट, थीटा नॉट क्या है भैया मैक्सिमम, ये इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस है वो उधर चला जाएगा, तो ये यहां है एम ए एल साइन थीटा नॉट, और ये उसको इधर ले लो एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा नॉट। सर क्या कर रहे हो, हम थीटा नॉट निकाल रहे हैं मैक्सिमम एंगल, ठीक है, एम एल, एम एल कट गया, ए है यहां रहने देते हैं, जी ऐसे रहने देते हैं इधर ए बटे जी, उधर है वन माइनस कॉस थीटा नॉट बटे कितना है साइन थीटा नॉट, होगा क्या। देखो बच्चों ये है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, यहां लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको एंगल कैलकुलेट करना है, ऐसे तो होगा नहीं। वन माइनस सारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला शॉर्टरी कहता है, तो आपको याद भी करा चुके हैं, सिर्फ पढ़ाता तो मैं नहीं हूं बच्चों, याद भी आप लोग को करवा देता हूं, क्योंकि पता है कि भाई पढ़ाने के बाद याद फिर घर में आके फ्रस्ट्रेशन होता है, लेक्चर के अंदर सारा चीज याद करा दिए, यूट्यूब में आप टाइप कर लो ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स लिंक्स, याद हो जाएगा सारा फॉर्मूला, बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में पढ़ाएं, ठीक है। वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू, तो आप मैं समझना आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नहीं आपको ये तेज बना करके फिर मैं तेज बन करके और उसके बाद लिख रहा हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा नॉट बटे टू, क्योंकि पता है ये सबको याद करवाता उरवाता है नहीं, फॉर्मूला लिखा देते हैं घर में छोड़ देते हैं याद करने के लिए, सब कन्फ्यूज कर जाते हैं, सब भूलते रहते हैं, बार बार पेज पलटाते रहते हैं, जो मैंने भी किया है, लेकिन अब टीचर बन गए आप थोड़ी करने देंगे आप लोग को, सब याद करवा देंगे यहीं। हाँ साइन थीटा बटे नॉट दो है वहाँ, तो एक चला गया, तो ऊपर बच रहा है साइन थीटा नॉट बटे टू कॉस थीटा नॉट बटे टू, इधर है ए बटे जी, साइन बटे कॉस सेम एंगल है, तो इधर क्या आ जाएगा टैन थीटा नॉट बटे टू इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे देख क्या आ रहा है टैन थीटा नॉट बटे टू, और इस साइड क्या है ए बटे जी आया यहां, तो देखो ये टैन उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, तो थीटा नॉट बटे जो टू है वो हो जाएगा उधर क्या टैन इनवर्स ए बटे जी, क्या हो रहा है टैन इनवर्स ए बटे जी, हेंस थीटा नॉट जो है वो क्या है टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो टू टैन इनवर्स क्या आ रहा है ए बटे जी। यहां से बच्चों एक चीज बहुत भयानक देखो सीखने का मिला, क्लास ट्वेल्थ में जाओगे ना यही सवाल फिर से आएगा, वही एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना घसका करके लेके जाएगा, सवाल आएगा फाइंड द मैक्सिमम एंगल मेड फ्रॉम
इक्विलिब्रियम, यही एक्सप्लेनेशन याद करिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे हम लोग। तो मैक्सिमम जो एंगल है देखो कहता है 2 tan inverse a/g, अच्छा 2 tan inverse a/g, और इक्विलिब्रियम में जो बनाता है, इक्विलिब्रियम में जो बनाता है वो है tan inverse a/g। यानी कि पता चला क्या, नॉर्मल डेज में आप पढ़ाई करते हो tan inverse a/g, लेकिन जब मैक्सिमम पूछता है ना तो 2 times tan inverse a/g। एक नॉर्मल डे में 4-5 घंटा पढ़ते हैं, उस दिन भैया 10-12 घंटा पढ़ लेते हैं, पापा लोग सोचते हैं बेटा कहीं पागल तो नहीं हो गया, इतना देर कैसे पढ़ रहा है, लेकिन उस दिन मैक्सिमम काम करते हैं उन लोग, ठीक है। तो ये रहा बच्चों पूरा एनालिसिस, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बार बार लेक्चर का कॉन्सेप्ट सुनिए और प्रैक्टिस करिए, फिर DPP में भी बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड, उसको भी सॉल्व करिएगा, वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा, ताकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल से हम लोग तेज बन सके सब लोग मिल करके, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से, थैंक यू।